हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। इन इंग्लिश ग्रामर वी विल लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। सो इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू मेक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ टू मेक क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट, तो उसके अंदर तीन टाइप्स के पर्सन होते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और जो सब्जेक्ट है वो मतलब किस तरह से है, सिंगुलर जैसे कि आई मींस जो बातें कर रहा है वो, प्लूरल जिसका हो जाएगा वी, यू जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं यू, उसका प्लूरल होता है यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है कि जिसके बारे में हम बात करें, द पर्सन हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि ही सी इट या यानी पर्सन नेम, यहाँ पर मैंने सैम लिखा है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, जिसका प्लूरल होता है दे। सो ये हमने बात कर दी सब्जेक्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पास्ट कंटिन्यूअस। सो जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये टू बी है दैट इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड जो वर्ब के बाद जो आईएनजी लगाना है, ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक जो हमारा जो कहते हैं जो बेस वर्ब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि आई ही सी सैम, जिसके बाद ये जो टू बी है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। देन वर्ब, वर्ब का जो बेस फॉर्म है जैसे कि गो, गो लगा दिया हमने, और उसके बाद क्या लगाना है, आई एन जी, तो गो के बाद हमने लगा दी आई एन जी। देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, तो ये हो गया। देन सेकंड यू वी दे, तो यू वी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। और आई ही सी सेम, और यहाँ पर मैं भूल गया हूँ टाइप करना, यहाँ पर इट भी आएगा, तो ये सबके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। और यू वी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। सो वेयर लिखने के बाद क्या लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म, फॉर एग्जांपल गो लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद क्या ऐड करना है, आईएनजी, तो गो प्लस आईएनजी हो जाएगा गोइंग, और उसके बाद टू स्कूल, क्लियर। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर आगे हमने पढ़ा, क्लियर, आई ही सी सेम और इट, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। वॉज लगाने के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब जो वर्ब वन कहते हैं वो होगा, और उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, तो प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे यू वी धे के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, और प्ले प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पर एंड ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड सैम वाज प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो ये हमारे हो गए कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। देन मूविंग टूवर्ड्स, अब ये जो हमने असर्टिव सेंटेंस बनाए तो उसके नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। सी आई ही सी एंड सैम, जिसके बाद हम क्या करेंगे, वॉज जो लगाते थे वो तो लगाना ही है, और वॉज के बाद हमें तुरंत क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, राइट। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस है जिसके बाद अगर हमें कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट वी यूज़, वी ऑलवेज यूज़ नॉट टू मेक एनी सेंटेंस इन टू नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है कि आई ही सी सेम, जिसके बाद वॉज है और उसके तुरंत बाद हमें क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। और आगे तो जो आता है वही है, वर्ब जो उसका जो बेस फॉर्म है वही लिखना है यहाँ पर, और आई एन जी लगा देना है, एंड लास्ट में है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हो वॉजंट, ये तो सबको पता ही होगा, वॉजंट क्या है, ये जो वॉज नॉट है उसका शॉर्ट फॉर्म है। देन यू वी दे, उसके बाद हम लगाते हैं वेयर,
और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया, यहाँ पर नॉट ऐड कर दिया, और यहाँ पर प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा एंड फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और वेयर नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, वेरेंट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर जो हमने अभी आगे पढ़ा वही है, ठीक है। यहाँ पर देन देखते कुछ एग्जांपल्स। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, सिर्फ नॉट ऐड करते हैं, वो भी किसके बाद, वॉज एंड वेयर के बाद। देन यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमने देखा कि हम कैसे मतलब असर्टिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देन जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि कैसे हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, तो यहाँ पर देख लो, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर वॉज नॉट का क्या कर दिया हमने, वॉजेंट कर दिया, तो आई वॉजेंट प्लेइंग फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, वेयर नॉट का क्या हो जाएगा, वेरेंट हो जाएगा, तो यू वेरेंट प्लेइंग फुटबॉल। वी वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वी वेरेंट प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेरेंट प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉजेंट प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सी वॉजेंट प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सैम वॉजेंट प्लेइंग फुटबॉल। सो दिस इज़ हाउ, मतलब इसी तरह हम जो है वो वॉज नॉट एंड वेयर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉजेंट एंड वेरेंट में। देन हाउ टू मेक क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यह फॉर्मूला देखते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन सेंटेंसेज है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो कैसे होगा। तो फॉर्मूला है प्लस टू बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूला, वो क्या थी, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है, राइट, उसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देख लो यहाँ पर, जैसे कि हम मैंने अभी आगे बताया कि वॉज, वॉज के साथ क्या लगाना है, आई ही सी सैम एंड इट, देन आफ्टर प्लेइंग तो रहेगा ही, देन ऑब्जेक्ट वी हैव, और वेयर किसके साथ लगाने हैं, यू वी एंड दे के साथ वेयर लगाना है, फिर आएगा प्ले प्लस आई एन जी तो प्लेइंग एंड फुटबॉल। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये जो आई और वॉज है इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा कि वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। इन द सेम वे यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर भी इंटरचेंज कर दो, ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाएगा कि वेयर यू प्लेइंग फुटबॉल। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, इंटरचेंज द पोजिशन, वेयर वी प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, She was playing football, was she playing football, Sam was playing football, was Sam playing football, clear? तो ये सबको आइडिया आ गया होगा कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब और सॉरी जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसका हम इंटरचेंज कर देंगे, उसकी जो पोजिशन है वो इंटरचेंज कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। होप यू एंजॉयड एंड लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।